सभी कॉलोनी वासी मौजूद हैं, एक बार मैं इनसे जानूंगा। अच्छा, आप लोग एक बार बताइए सभी लोग सामूहिक तौर पे कि आप लोग लीला के खिलाफ हैं या झूलों के खिलाफ झूलों के आप लोग खिलाफ हैं? लीला के खिलाफ नहीं है, लीला होनी चाहिए। एक बार नहीं है, हम रामला जो करेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। साथ में जो रेखा विनय चौहान हैं, ये लोग आपके पार्षद रहे हैं, आपके नेता हैं स्थानीय, क्या इनकी जो बात है उससे आप सहमत हैं? हाँ जी, हाँ जी, सहमत हूँ, पूरे सहमत हूँ। रामलीला का विरोध है या झूलों का विरोध है? झूलों का विरोध, रामलीला होनी चाहिए। ये देखिएगा, ये रामलीला के फेवर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन दुर्गा पार्क मैदान में किया जा रहा है। इस रामलीला का आयोजन भव्य और अपार सफलता के साथ संपन्न हो, ईश्वर हम ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप देखें जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो फोटो है डीसीपी दक्षिण पश्चिम को दिया गया है और 20/9 यानी 20 सितंबर को ये दिया गया है। इसमें जो कॉलोनी वासी हैं तमाम, उन लोगों के साइन हैं और साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि जो रामलीला है वो होनी चाहिए लेकिन जो झूले हैं उनको नहीं लगना चाहिए, ऐसी जो रिक्वेस्ट है वो डीसीपी से की गई है। सच्चाई में ये जो झूले लग रहे हैं ना, आपको क्या लगता है ये बच्चों के स्कूल है? यहाँ बच्चों का स्कूल, ये इतने बड़े बड़े झूले लग रहे हैं चारों तरफ, रिहायशी इलाका आप देखिए यहाँ पे चारों तरफ कहाँ निकलने की रास्ता है। आज हम सब यहाँ इतने परेशान है, कॉलोनी वासी, ये मैं भी परेशान हूँ, लेकिन परेशानी मेरे अकेले की नहीं है, परेशानी इन सब की है। और ये रेखा चौहान को और विनय चौहान को बदनाम करने की साजिश है, इसमें वही आदमी मिश्रा के हैं, वही बीजेपी के हैं, वो किसी के पार्टी के नहीं, सिर्फ इसके धन के। और वो यहाँ पे एक वसूली का है, 5 लाख रुपए इन झूले वालों से हट लेंगे, पिछली बार भी आए थे, हमने निवेदन किया, मैंने कहा मेरी मदद करो, मेरे बच्चे कैसे यहाँ पढ़ेंगे, कहाँ से निकलेंगे, इन भूमाफियाओं ने, इन गुंडों ने, रेडी वाले, देखो रेडी वाले, आप अंदर देखो रेडी लगी, आप देखो जहाँ रामलीला होगा वहाँ रेडी लगवा दी है आज आपको दिखाने के लिए, ये रेडी रहेगी या रामलीला रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दुर्गा पार्क इलाके में। रामलीला कई सालों से यहां पे होती आई है लेकिन आज वो रामलीला जो है कहीं ना कहीं विवादों में फंसी है, और जो विवादों का कारण है, कैमरामैन को मैं कहूंगा एक बार पीछे दिखाएं, जो झूले हैं ये पहली मर्तबा यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जो कॉलोनी वासी हैं उनका ये कहना है कि झूले यहाँ पे नहीं लगाए जाने चाहिए, चूँकि इनकी वजह से जो रास्ते हैं कॉलोनी के वो तमाम बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बगल में आप देखें जो कन्या विद्यालय है सरकारी, वो यहाँ पे मौजूद है, और किसी तरह की अगर कोई परिस्थिति भयावह होती है तब यकीनन जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगी और तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। तमाम जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर आज इस रामलीला से जुड़े हुए वायरल हैं, और उनमें इस तरह के दावे किए गए हैं कि विनय चौहान और रेखा चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं साथ में पूर्व पार्षद हैं, ये रामलीला के विरोध में हैं। हालांकि जब इनसे बात की गई तो इनका कहना था कि रामलीला का कोई विरोध नहीं है और कई सालों से रामलीला का जो सहयोग है वो ये लोग स्वयं करते आए हैं। झूलों का विरोध है और झूले जो है वो न लगने दिए जाएं, इसके लिए जो कॉलोनी वासी हैं वो लोग भी मौजूद हैं। विनय जी, मूल विवाद क्या है? विवाद नहीं है, इसको एक विवाद के रूप में पेश किया जा रहा है। ये कॉलोनी की सभी माताएं बहनें खड़ी हैं और हम सब लोगों ने इसको कहा था कि पिछली बार भी इन्होंने प्रयास किया था, तो ये डिस्प्यूटेड लैंड है, इस पर किसी के मालिकाना हक नहीं, यहाँ परमिशन मिल नहीं सकती, लेकिन एक फ्रॉड करके एक व्यवस्था सिस्टम की जो चलनी है उस वजह से यहाँ पे बाद में क्या हुआ, जब ये झूले लगने गए कॉलोनी वाले ये आपके सामने खड़े हैं, उन्होंने विरोध किया कि झूले नहीं लगने चाहिए। रामलीला का विरोध है या झूलों का विरोध है? झूलों का विरोध, रामलीला होनी चाहिए। ये देखिएगा, ये रामलीला के फेवर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन दुर्गा पार्क मैदान में किया जा रहा है। इस रामलीला का आयोजन भव्य और अपार सफलता के साथ संपन्न हो, ईश्वर हम ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप देखें जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो फोटो है डीसीपी दक्षिण पश्चिम को दिया गया है और 20/9 यानी 20 सितंबर को ये दिया गया है। इसमें जो कॉलोनी वासी हैं तमाम, उन लोगों के साइन हैं और साफ तौर पे इसमें कहा गया है कि जो रामलीला है वो होनी चाहिए लेकिन जो झूले हैं उनको नहीं लगना चाहिए, ऐसी जो रिक्वेस्ट है वो डीसीपी से की गई है। यही है इसमें? यही है। उसके बाद तथाकथित जो माबल और आम आदमी की बी टीम है, जो कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, जो यहाँ पे वो 5-6 हैं, 5-6 थे, आपने देखा होगा कोई वीडियो चला है, मुझे तो नहीं इतना ध्यान देता हूँ ना, हमारा काम इतना ध्यान देना, तो तथाकथित वो
एक निर्दलीय लड़ा होगा मेरे अगेंस्ट, एक प्रद्युम्न जी के अगेंस्ट बसपा से लड़ा, दो दो हजार, एक 100 वोट लेने वाला, एक भूमापिया रहा हो, ऐसे लोग उस रामलीला में मुझे सद्बुद्धि बांटने आए हैं। मैं स्वयं ये श्री राम रामलीला है बुद्ध जयंती, मैं उसका संरक्षक हूँ, मैं एक रामलीला में और संरक्षक हूँ। यहाँ जितनी रामलीला होती कहीं की मेरा हर तरह से सहयोग रहा है। और अभी भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आपका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? वो कभी भी बीजेपी की नहीं है। एक बीजेपी मिश्रा की बी टीम है, महाबल की बी टीम है, बीजेपी में वो आते हैं और जब कोई चुनाव लड़ता है तो उससे उगाही प्रेशर बनाते हैं, उनके एक नेगेटिविटी फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और देखो जी बीजेपी वाले हम खुश नहीं है, तो इनकी क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ में पूर्व जो पार्षद हैं रेखा चौहान, वो मौजूद हैं। रेखा जी, वीडियो के माध्यम से कई सारे आरोप आप पे भी लगाए गए हैं, आपके बारे में जो कई सारी बातें हैं यहाँ दोहराना मैं नहीं चाहूँगा, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन कही गई, वजह? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि 5 साल का जो मुझे सेवा करने का मौका दिया हमारी इस क्षेत्र की जनता ने, और 5 साल में इन लोगों ने मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा पाया जब मैं सीट पे थी। अब इनको एक मौका ये मिल गया है, इन्होंने ये रामलीला हकीकत में नहीं करने जा रहे, ये रावण लीला करने जा रहे हैं। सच्चाई में ये जो झूले लग रहे हैं ना, आपको क्या लगता है ये बच्चों के स्कूल है? यहाँ बच्चों का स्कूल, ये इतने बड़े बड़े झूले लग रहे हैं चारों तरफ रिहायशी इलाका, आप देखिए यहाँ पे चारों तरफ कहाँ निकलने की रास्ता है। आज हम सब यहाँ इतने परेशान है, कॉलोनी वासी, ये मैं भी परेशान हूँ, लेकिन परेशानी मेरे अकेले की नहीं है, परेशानी इन सब की है। हम तो फिर भी घर में बैठे रहेंगे, पर इनका क्या होगा? जो यहाँ सब्जी वाले बेचारे रेडी लगा के अपनी रोज की कमाई करके पेट पाल रहे, उनका क्या होगा? और सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिन्होंने मेरे लिए अनपढ़ गवार बोला, तो मैं अनपढ़ गवार ही सही, पर हूँ मैं राम की, ये सच्चाई है। जब राम मंदिर अयोध्या में बना था तब 75 लाख रुपीज विनय चौहान और रेखा चौहान ने कॉलोनी वासियों से करके दिए थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी, और जितनी रामलीलाएं, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्षेत्र में जितनी रामलीलाएं होती, हर रामलीला में हमारा सहयोग है और हर रामलीला में हम जाते हैं। बिल्कुल, माना जा सकता है कि राम भक्त सभी हैं और जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सभी लोग राम भक्त हैं, और राम की जो भक्ति है, राम की जो आराधना है, खासतौर पर जो रामलीला है, उसके विरोध में ना कोई है, ना कोई दिखना चाहता है, और ना ही इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पे की जा रही, केवल जो झूले हैं विशेष उनका विरोध है। आप स्थानीय हैं? हाँ जी, मैं नरसिंहपुर गांव का हूँ, शुरू से हम यहाँ दुर्गा पार्क में रहते हैं, यहाँ के जमीन हमारी ही थी। जो विनय जी ने अभी कहा कि लैंड डिस्प्यूट है, और आमतौर पर डिस्प्यूट लैंड पर तो इस तरह की जो परमिशन है अगर मिली है इनको झूलों को, वो मिलनी नहीं चाहिए। खसरा नंबर 185 है, जो इंदर सोलंकी है, भूमाफिया है, वो अपनी तरफ से साइन मार रहा है, कब्जे दिखा रहा है यहाँ पे, उनके कई केस चल रहे हैं बाप बेटे पे, झगड़े के भी, जमीनों के भी। और ये रेखा चौहान को और विनय चौहान को बदनाम करने की साजिश है, इसमें वही आदमी मिश्रा के हैं, वही बीजेपी के हैं, वो किसी के पार्टी के नहीं, सिर्फ इसके धन के। और वो यहाँ पे एक वसूली का है, 5 लाख रुपये इन झूले वालों से हट लेंगे, पिछली बार भी आए थे वो वापिस कर दिए थे, उनके 1.5 लाख रुपए खा चुके हैं ये, इनको कोई वो नहीं है। और अभी स्कूल के 3-3 स्कूल लगते हैं, एक न्यूतन स्कूल है, एक हमारे मावरी मास्टर जी का स्कूल है, और एक ये कन्या का सरकारी स्कूल है, 3-3, 4-4 स्कूल है। अब ये बताओ, कोई महिला बीमार हो अगर दादा देव हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे जाएंगे? कहीं पर कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। इन्हें सिर्फ उगाही चाहिए। पहले शुक्र बाजार लगता था, यहाँ गुंडागर्दी करते थे, ये वही लोग हैं। और मैंने पहले भी शुक्र बाजार बंद करवाया था, उनकी रामलीला बंद करवाई थी। ये रामलीला में कुछ आदमी अच्छे थे, कुछ जो 5-6 जो आके जुड़ गए हैं इधर उधर के भेजे हुए गुंडे, ये वसूली वाले हैं, शराब पीते हैं, नशेड़ी हैं, कुछ नहीं, यहाँ गुंडागर्दी होगी, यहाँ पे हमारी बहन बेटी को कोई बदतमीज करेगा तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए, आप देखें कि ये प्रमुख रास्ता है जिसपे हम लोग मौजूद हैं, और इस तरफ में जो लीला है वो होगी, और साथ में जो इस तरफ झूले हैं वो लगाए गए हैं। अब आप देखें किस तरह की अफरा तफरी का माहौल बनेगा, क्योंकि लोग जो है वो वहां पे रामलीला देखेंगे और इस तरफ झूला झूलने आएंगे, तो जाहिर है कि जो रास्ता है वो ब्लॉक होगा और तमाम जो दिक्कतें हैं यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको होंगे। मैम, हाँ, आप बताइए क्या कुछ कहेंगे? ये सर बच्चों का चक्कर है, वो पेपर भी आने वाले हैं, पेपर में दिक्कत है, बच्चों के पढ़ नहीं पाएंगे, एग्जाम भी है बच्चों के, ठीक है, अब बच्चों को आने जाने में दिक्कत है, यहाँ पर रास्ता इतना बड़ा है नहीं, ठीक है, ठीक है। सभी कॉलोनी वासी मौजूद हैं, एक बार मैं इनसे जानूंगा। अच्छा, आप लोग एक बार बताइए सभी लोग सामूहिक तौर पे कि आप लोग लीला के खिलाफ हैं या झूलों के खिलाफ हैं? झूलों के खिलाफ है, लीला के खिलाफ नहीं है, लीला होनी चाहिए। एक बात नहीं है,
हम रामला जो करेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। साथ में जो रेखा विनय चौहान हैं, ये लोग आपके पार्षद रहे हैं, आपके नेता हैं स्थानीय, क्या इनके इनकी इनकी जो बात है उससे आप सहमत हैं? हाँ जी, हाँ जी, जब भी टाइम मिले सहमत हूँ, पूरे सहमत हूँ। कोई परेशानी होगी हम इनके पास बताइए। विनय चौहान को, रेखा चौहान से हम पूरे कॉलोनी वासियों ने निवेदन किया, विनय तो इतने बिजी रहते हैं, अभी हरियाणा इलेक्शन में रेखा विनय नहीं यहाँ रहते, हमने निवेदन किया, मैंने कहा मेरी मदद करो, मेरे बच्चे कैसे यहाँ पढ़ेंगे, कहाँ से निकलेंगे, इन भूमाफियाओं ने, इन गुंडों ने, रेडी वाले, इनको रेडी वाले, आप अंदर देखो रेडी लगी, आप देखो जहाँ रामलीला होगा वहाँ रेडी लगवा दी है आज आपको दिखाने के लिए, ये रेडी रहेगी या रामलीला रहेगा? आप लोग बताइए, आप लोग सहमत हैं इस पूरे विवाद से कि जो मेला है वो नहीं लगना चाहिए, जो लीला है केवल वही होनी चाहिए? लीला होनी चाहिए, मेला नहीं लगना चाहिए किसी भी कीमत पर, केवल मेले का विरोध है? बिल्कुल, मेले का विरोध, लीला का कोई विरोध नहीं है? देखिए, लीला कोई विरोध नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, झूले लगने चाहिए या केवल लीला होनी चाहिए? झूले नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल नहीं। और आप सभी लोकल लोग हैं यहाँ की, पूरी कॉलोनी में पुलिस विभाग से अदर प्रार्थना की हाथ जोड़ के कि अगर परमिशन दे दी गई है यहाँ पे तो वो दिखाई जाए, आज तक कोई परमिशन नहीं दिखाई गई है, कोई भी काम कागजी कार्रवाई नहीं दिखाई गई है, केवल यही है कि परमिशन है, परमिशन है। पीछे 2006-07 में वो आगे स्कूल बन गया है, वहां दशहरा लगता था मेला, वहां का कमीशन दिखा के यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ 6 से लग रहा है, जबकि यहाँ पूरी कॉलोनी से पता कर लो, ईमानदारी से कभी झूले नहीं लगे हैं, केवल रामलीला हुई है। क्या क्या अंकल झूले लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए, नहीं लगने, यही रहते हैं। हाँ भैया, यही 3 नंबर कड़ी में। अच्छा, झूले अगर लगते हैं तो नुकसान क्या है, आप बताइए? नुकसान है आने जाने में, बच्चों के पेपर है, रिहायशी मकान है चारों तरफ, उससे बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत होगी अगर झूले लगे तो? भैया आप सामने खड़े हैं, 50 मीटर पे घर है, 6000 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, स्टैम्पेड हो गए, फायर ब्रिगेड गाड़ी की पहुंचने की जगह नहीं, ट्रैफिक के एनओसी पता नहीं कैसे ले आए, ये लोकल आदमी दुखी है। पिछले 20-30 सालों से विनय तो पढ़ी, बहुत रामलीलाओं से जुड़े हैं, ये तो बहुत रामलीलाओं से जुड़े हैं, दुनिया भर की रामलीलाएं कराते हैं, इस रामलीला से भी जुड़े, तो झूले तो कभी लगे नहीं 30 साल में, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? देखें, तमाम जो लोग हैं उनका एक मानना है कि जो झूले हैं सिर्फ उसका विरोध है, रामलीला का ना कोई विरोध था, सभी लोग सनातनी हैं, सभी लोग हिंदू हैं, और जो भगवान राम हैं वो उनके दिलों में बसते हैं, लिहाजा किसी भी तरह से जो लीला है उसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, और केवल लीला का आयोजन हो प्रेम से भक्तिपूर्वक, और जो झूले हैं वो न लगे, जो व्यवसाय है वो ना हो। आप सभी लोग यही चाहते हैं ना जी? और तो गलत तो कुछ भी करे, केवल यही चाहते हैं, झूले और मेला नहीं लगने चाहिए, झूले और मेला, मेले का भी विरोध नहीं है, ठीक है, झूला और मेले का विरोध है ना, रामलीला तो होगी। रास्ता इतने दिन पहले बंद कर दिया गया है, रास्ता 15 दिन पहले किस लिए बंद कराया इन्होंने? कोई मंदिर नहीं जा सकता, कोई बुजुर्ग है वहाँ से वहाँ तक मंदिर जाना बंद हो गया, दिक्कत होती है रास्ते बंद होने की, दिक्कत होती है, मंदिर जाना बंद हो गया। जो पूरी जो जनता है दुर्गा पार्क की वो इस बात पे मुतमइन है, एकमत है कि जो झूले हैं, जो मेला है वो ना लगे, जो रामलीला है वो बदस्तूर जारी रहे, ताकि जो भक्त हैं वो अपने प्रभु को दर्शन कर सकें, और साथ में जो भक्तिभाव है उसके उससे प्रभु की जो पूजा है उसको संपन्न कर सकें। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं आनंद।